दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको पबजी को पीसी में खेलना है एम्युलेटर के थ्रू। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक पुराना पीसी पड़ा है, ड्यूल कोर पीसी पड़ा है, और मैं उसमें पबजी खेलना चाहता हूँ, तो इसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ताकि मैं एम्युलेटर के थ्रू पबजी मोबाइल उसमें पीसी में खेल पाऊँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आप आपके पुराने पीसी में भी पबजी को खेल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा एक पैरल वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था प्रैक्टिकली करके कि क्या आप बिना ग्राफिक कार्ड के पबजी खेल सकते हैं क्या, तो खेल ही नहीं सकते हैं, वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। एमुलेटर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद जब मैंने पबजी डाउनलोड किया उसमें, तो डाउनलोड तो हो गया, उसके बाद मैंने जब पबजी इंस्टॉल करने लग गया तो वो इंस्टॉल हुआ ही नहीं। उसमें ग्राफिक तो चाहिए चाहिए, भले वो 512 MB हो या 1 GB हो, तो ग्राफिक तो लगेगा। ये एक यहाँ पर कन्फ्यूजन हमारा क्लियर हो गया कि बिना ग्राफिक कार्ड के पबजी हम खेल सकते हैं या नहीं, या पबजी प्ले होगा नहीं, तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। पहली बात ये आ गई, वो इंस्टॉल ही नहीं होगा अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है आपके कंप्यूटर में, इंस्टॉल ही नहीं होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की, इंटरनल तो सबकी होती है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है आपके सिस्टम में तो पबजी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का कहीं से जुगाड़ करो। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की बात आती है तो हम मिनिमम आप चाह रहे हैं कि कौन सा लें, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो काफ़ी कम है, जिसमें आप 480 में तो खेल नहीं पाओगे, 720p में थोड़ा बहुत लेग करेगा गेम और खेल पाओगे। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको कम से कम GT 610 लें। GT 610, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर NVIDIA की। ये हो गई बात यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की कि आपको कौन सी ग्राफिक कार्ड लगेगी मिनिमम। रैम की बात करें तो 4 GB रैम इनफ है। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर मैं बात करूँ तो पबजी ही खेलना है उसमें और कुछ भी टास्क नहीं करना है अलग, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको स्ट्रीमिंग नहीं करना है, सिर्फ पबजी खेलना है, ओनली अकेले में पबजी खेलना है, स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एकदम लो लेवल की ग्राफिक कार्ड को लेकर अगर पबजी खेलोगे भी और स्ट्रीमिंग भी करोगे तो वो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पूरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो अगर आपको साथ में स्ट्रीमिंग भी करना है तो भी आगे बताऊंगा आपको क्या करना है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर आपको पबजी खेलना है तो मैं बता चुका हूँ सारी कॉन्फ़िगरेशन, एक ड्यूल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, साथ में एक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए डेडिकेटेड, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ लिंक दोनों का बाय करने का। अगर आपके पास ये सारे जो मैंने बताए हैं ये सब कुछ है तो आप पबजी यहाँ पे खेल सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ कार्ड में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एमुलेटर के थ्रू खेलने की। तो मैं भी एमुलेटर के थ्रू खेलता हूँ, मेरे पास i7 7700 जो प्रोसेसर आता है 7th generation का, 16 GB की रैम है, GTX 1060 है, 6 GB की ग्राफिक कार्ड, फिर भी कभी कभी मेरा जो एम्युलेटर में है वो लैग करता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि क्यों लैग करता है, वो इसलिए क्योंकि एम्युलेटर में हम ठीक से गेम नहीं खेल पाते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो फ़ोन का गेम है वो एक एम्युलेट कर रहे हैं फ़ोन में से पीसी में, और वहाँ पे आप खेल रहे हैं तो वहाँ पे लैग तो करेगा। फिर चाहे उसमें आप जो नई ग्राफिक कार्ड है RTX वाली, रे ट्रेसिंग वाली, वो भी लगा दें तो भी लैग करेगा गेम एम्युलेटर में। तो ये जो मैंने मिनिमम ग्राफिक जो रिक्वायरमेंट बताई है आपको, ये किसके लिए बताइए, ये 720p में अगर आप गेमिंग करेंगे तो उसके लिए बताइए। अगर आपको HD में करना है, यानी कि 1080p में करना है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 940MX जो आती है वो ग्राफिक कार्ड तो मिनिमम लेना ही पड़ेगी, तब जाके आप नॉर्मली आप गेम कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो ग्राफिक कार्ड लेंगे उससे अच्छा GTX 1050 Ti ले लें, ये काफ़ी अच्छी ग्राफिक कार्ड है, इसमें आप साथ में स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे। अगर आपके पास GTX 1050 Ti है 4 GB की, तो आप साथ में स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और गेम प्ले भी कर सकते हैं, वो भी 1080p में। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आपके लिए, बट इसके लिए आपको पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका जो 4 GB की रैम है वो काम नहीं आएगी, मिनिमम 8 GB की रैम होना चाहिए। प्रोसेसर यहाँ पे i3 का 5th generation वाला मिनिमम होना ही चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा i5 का 8th generation मिनिमम, अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करना है साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। इसका भी एक जो है यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप पूरा उसको चेक कर सकते हैं, ये सब आप कंपोनेंट्स लगेंगे उसमें मिनिमम, अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं और गेम भी खेलना चाहते हैं साथ में, तो ये सब आपको लगेंगे। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है पबजी का। अब यहाँ पे सिर्फ पबजी की बात नहीं हो रही है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने GTX 1050 Ti वाला, इसमें आप हर कोई भी गेम हो, GTA 5 या फिर Fortnite वगैरह, ये सारे गेम प्ले कर सकते हैं फुल HD में, फ्रेम रेट भी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं अच्छे से बता दिया है। अब इसका कितना खर्चा आएगा वो आप लिंक देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा मैंने,
अगर मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूँगा और काफ़ी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन जो कम रेट में आपको मिलता है वो मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको परचेस करना है तो उन लिंक के थ्रू आप परचेस भी कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन है और यही यहाँ पे पूरा आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रखना है ताकि आप पबजी खेल पाएँ, और स्ट्रीमिंग करना करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग है, उस गेम जो मिनिमम वाला है उसमें स्ट्रीमिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे कि क्या मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए पबजी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना ज़रूरी होती है वो भी आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पर। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।